अमेठी में रश्मि यादव के घर पहुंचे अखिलेश यादव। रश्मि यादव की संदिग्ध हालात में हुई थी मौत। मृतक के परिजनों से मिले अखिलेश यादव। यूपी पुलिस में एसआई थी रश्मि यादव। पहली बार आजम विवाद पर बोले अखिलेश यादव। कहा समाजवादी पार्टी आजम खान के साथ। जेल में सपा डेलीगेशन से आजम के इनकार पर बोले इस बारे में मुझे जानकारी नहीं। सपा आजम खान की जमानत के लिए कोशिश करेगी। मेरी जानकारी में नहीं है कौन गया था मिलने। मेरी जानकारी में नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ पर इस गांव में आना था। मेरी मुझे जानकारी नहीं है कि कौन मिलने गया था। वो स्वयं ही शायद गए होंगे। मुझे जानकारी नहीं है। सीतापुर पहुंचे सपा विधायक रविदास मेहरोत्रा से। जेल में बंद आजम खान ने नहीं की मुलाकात। रविदास मेहरोत्रा और उनकी टीम को बैरंग लौटना पड़ा वापस। आजम खान ने बीमारी का कारण बताकर मिलने से किया इनकार। रविदास मेहरोत्रा ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि जेल में बंद आजम खान की हो सकती है हत्या। हम लोगों को शंका यह है कि आजम खान साहब की कहीं जेल में हत्या कर दी जाए और जो है भाजपा की सरकार जो है लगातार दमन करने का काम कर रही है, जुल्म करने का काम कर रही है। हम लोग जुल्म के खिलाफ संघर्ष आजम खान का काम। प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 सदस्यों की मौत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। सभी की मौत सिर पर गंभीर चोट लगने से हुई। बेटी और बहू से रेप की पुष्टि नहीं हुई। 12 संदिग्धों से पूछताछ जारी। प्रयागराज कांड को लेकर सियासत तेज। प्रयागराज हत्याकांड के पीड़ितों से मिला सपा का प्रतिनिधि मंडल। कल शिवपाल यादव ने पीड़ितों से की थी मुलाकात। प्रयागराज मिलने पहुंचा टीएमसी नेताओं का भी एक डेलीगेशन। डेलीगेशन में डोला सेन, उमा सरेन, बाला ठाकुर शामिल। साकेत गोखले और ललितेश त्रिपाठी भी डेलीगेशन में शामिल। अल्मोड़ा में डबल इंजन की भाजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। कांग्रेस जिलाध्यक्ष पीताम्बर पांडे के नेतृत्व में किया गया विरोध प्रदर्शन। महंगाई और बिजली कटौती को लेकर सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। अयोध्या के हनुमानगढ़ी में लावारिस बैग से मिले कपड़े। दुकान पर बैग जमा करने के बाद भूल गया था श्रद्धालु। आज सुबह बैग मिलने से मचा हड़कंप। पंचायती राज दिवस पर पीएम मोदी ने घाटी को दी सौगात। मंच से 20,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास वर्चुअल तरीके से किया। जम्मू के सांबा में पीएम मोदी ने देश को किया संबोधित। कहा विकास के लिए पंचायतों की भूमिका सबसे अहम। केंद्र की योजनाओं से लोगों को फायदा। जम्मू कश्मीर के युवाओं से पीएम मोदी का वादा। कहा जो जिंदगी आपके दादा नाना ने गुजारी वैसी नहीं जीने दूंगा। साथ ही कहा पहले आजादी के 7 दशक में जम्मू कश्मीर में 17,000 करोड़ का ही निजी निवेश हो पाया था। पिछले 2 साल में यह आंकड़ा 38,000 करोड़ पर पहुंच गया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामूहिक खेती से छोटे किसानों को लाभ होगा। देश में 80% छोटे किसान और केंद्र सरकार की योजनाओं का बड़ा लाभ छोटे किसानों को मिला है। इस साल भारत ने विदेशों को रिकॉर्ड फल और सब्जियां निर्यात की। पीएम मोदी बोले पंचायत हो या पार्लियामेंट कोई भी काम छोटा नहीं। अगर पंचायत में बैठकर ये संकल्प लें कि देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करूंगा तो देश जरूर आगे बढ़ेगा। पंचायती राज दिवस पर जालौन के रामपुरा गांव में सीएम योगी ने दी सौगात। कई योजनाओं का किया लोकार्पण। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूल का निरीक्षण कर बच्चों को अन्न प्राशन कराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने पंचायती राज दिवस की दी बधाई। सीएम बोले डिजिटलीकरण की ओर आगे बढ़ रही ग्राम पंचायतें शहरों की तरह हो रही स्मार्ट। सीएम योगी ने कहा कि ग्राम पंचायतों के विकास की परिकल्पना हो रही है साकार। का ये ग्राम पंचायतों को मिला पुरस्कार। ग्राम पंचायत आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की को करेंगे हासिल। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम में बताया हर ग्राम पंचायत को दी गई है वाईफाई की सुविधा। विकास कार्य के लिए पैसे की कमी नहीं। सभी ग्राम पंचायत में हो ग्राम सचिवालय।